प्रिय साथियों, जेएसएससी सीजीएल का में पूरा आंदोलन, जेएसएससी सीजीएल का पेपर और जेएसएससी सीजीएल में हुए धांधली पर मैं कई दिनों से लगातार गहन विचार कर रहा था। मेरे नींद में, मेरे सपने में हर वक्त यह बात आती थी कि कितना आसान हो गया है सरकार को छात्रों को मूर्ख बनाना। किस तरह से कोई राजनेता, किस तरह से कोई सरकार के प्रतिनिधि, किस तरह से किसी आयोग के लोग कितनी आसानी से प्रश्न पत्र को लीक करा सकते हैं। यदि किसी भी परीक्षा का 80% पत्र, यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न पत्र हो जिसमें सिर्फ यह बताना है कि बेटा जेएसएससी जो परीक्षा ले रही है वह एसएससी के 2022 के क्वेश्चन से मैथ और रीजनिंग उठाए गए हैं, आईबीपीएस से कंप्यूटर के क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो उसके बाद हमको नहीं लगता है कि सील खोलने का या किसी भी प्रकार की कोई अन्य प्रयास करना है किसी अपने लोगों को नौकरी में लाने के लिए। यह पूर्ण रूप से धांधली है, पूर्ण रूप से वैसे लोगों को लाभ पहुंचाना है जो सरकार के नुमाइंदे के परिजन हैं। आप देखिएगा, हड़बड़ाइए नहीं, यदि इसका रिजल्ट आएगा और जब इस रिजल्ट पर बारीकी से जांच कीजिएगा तो पता चलेगा कि जो चयन हुआ है वह किसी के दामाद का और किसी के साला का और किसी का बहनोई का हुआ है जिसका सीधा संबंध सरकार से है, या कुछ वैसे लोग हैं जो सही मायने में आप उसको समझ सकते हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है कि वह प्रश्न पत्र को 15 से 20 लाख रुपये में भी खरीद सकता है। मतलब कि वह छात्र पूर्ण रूप से अमीर है। और 10% वैसे लोग मिलेंगे जो लाइब्रेरी में, कोचिंग में और घर पर बैठकर आंख के सामने पुस्तक रखकर अपनी पूरी जवानी गंवा रहे हैं। यह जवानी को आंदोलन का रूप देकर हमारे इस प्रदेश के नौजवानों ने, प्रदेश के युवा साथियों ने, प्रदेश के विद्यार्थियों ने यह जता दिया कि आपके अंदर उलगुलान करने की ताकत है, आपके अंदर अन्याय के खिलाफ बोलने की ताकत है। लेकिन साथियों, मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको किसी एक मजबूत नेता की ज़रूरत है। आप जिसे प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजते हैं, उसके अंदर आग होनी चाहिए, उसके अंदर साहस होनी चाहिए, उसके अंदर त्याग होनी चाहिए, उसके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, वह भयमुक्त इंसान होना चाहिए। पर मुझे लगा कि जो यह प्रतिनिधिमंडल इस लाखों के भीड़ का प्रतिनिधित्व करने जो गए थे, वह प्रतिनिधिमंडल सरकार की कानून के पन्ने पढ़ने गए थे। कानून के पन्ने को ताक पर रखकर आंदोलन की जाती है। गांधीवादी इस आंदोलन में बातों को मजबूती से रखना होता है, जहां सिर्फ और सिर्फ अपनी तर्क देने की जरूरत होती है, जहां सिर्फ और सिर्फ वह बात करने की जरूरत होती है, वह बात की जानकारी लेने की जरूरत होती है कि आखिर जेएसएससी सीजीएल यह बताए कि यह जो प्रश्न पत्र थे वह 2022 के प्रश्न पत्र से मैच खाते हैं कि नहीं, इसकी जाँच क्या जेएसएससी सीजीएल ने किया कि नहीं, उसे यह बताए कि यह जो कंप्यूटर का क्वेश्चन दिया हुआ आईबीपीएस के क्वेश्चन से मैच खाता है कि नहीं, वह यह बताए कि जो जेएसएससी सीजीएल ने जो रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन उठाया था वह कहां से उठाया था। यह जो जांच हुए थे उस जांच में जो जेएसएससी के अध्यक्ष साहब बोल रहे थे कि रैंडम क्वेश्चन उठाए गए हैं, उस रैंडम क्वेश्चन में उन्होंने जाँच करने के बाद क्या यह पाया कि अगला क्वेश्चन 2023 का था, 2024 का था या 2019 का था, 2018 का था, और सिर्फ सारे क्वेश्चन उठाकर कहीं आयोग के लोगों को मूर्ख बनाया गया। यदि ऐसा है तो जेएससी सीजीएल क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर क्या कार्रवाई कर रही है? क्या जेएसएससी के ऊपर जो यह प्रश्न चिन्ह उठे हैं कि इतने प्रश्न पत्र आगामी परीक्षाओं से मैच खा रहे हैं, क्या यह अपने आप में आयोग के ऊपर कलंक नहीं है क्या? यदि आयोग के अध्यक्ष पाक साफ हैं, यदि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री पाक साफ हैं, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई लोभ नहीं है, कोई माया नहीं है, कोई मोह नहीं है इस जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर के, तो मुझे बताना चाहिए कि आखिर जो यह धांधली हुई है, पूर्ण रूप से जो क्वेश्चन पूर्व के परीक्षाओं से उठा करके इसमें शामिल कर लिया गया है, जिसे बताने के लिए बस 4 कोड चाहिए था, जिसमें यह बता देना था कि एसएससी से यह, आईबीपीएस से यह, और यह जो है यह आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ष इतने के क्वेश्चन का 80% प्रश्न है। सील टूटने की बात कहाँ हो रही है?
रीजनल लैंग्वेज में, क्षेत्रीय भाषा में। क्षेत्रीय भाषा में क्यों हो रही है? क्योंकि उसका कोई आगामी परीक्षा नहीं हुआ था। आप उसका सिल तोड़वा लीजिए। आज तक हमारे सेंटर पर या कहीं पर यह बात फर्स्ट पेपर में नहीं हुआ। फर्स्ट पेपर में क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन आप जानते थे, और जो खोरथा का पेपर बना उसका सिल तोड़वा देते हैं। जो रीजनल लैंग्वेज का पेपर हुआ उसमें अपने लोगों को लाभ दिलवाने के लिए आप उसका सील तोड़वा दीजिए। और कहिए सील टूट सकता है, यदि सील टूट सकता है तो JSSC बिक सकता है। यह प्रमाण है सील टूटने का, सील टूटने का यह प्रमाण है कि JSSC ने प्रश्न बेचा है, और प्रश्न पत्र बेचने के बाद इस प्रदेश में अरबों अरबों रुपए का आमदनी हुआ है। और यह व्यापक घोटाला एक न एक दिन पर्दाफाश होगा, जिस दिन पता चलेगा कि इसके माध्यम से सरकार अपने किस परिजन के लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस दिन JSSC CGL का रिजल्ट आएगा, साथियों आप देखिएगा कि यह उसी तरह से होगा जिस तरह से पूर्व के